एक पास जिथे पूरे देश दे विच कोरोना महामारी फैली हुई है, उथे दूजे पास देश के दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वड्डा फैसला ले लिया। तुहानू दस दिए कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश दे विच हुण लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, बल्कि सूबे के मंत्रियों ये गल कह दी है कि सूबे दे विच अनलॉक टू की जी तैयारी की जाए। कित ना कि यह पिछले समय तो ये खबर आ रही सीगिया, अफवाह भी फैल रही सीगिया कि शायद जिवें हालात विगड़ रहे हैं देश के दे जिमें कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं, जिमें मौत हो रही ने, तो शायद देश के दोबारा पूर्ण तौर पर तालाबंदी की जा सकती है। पर हूँ नरेंद्र मोदी ने फैसला ले लिया है कि देश के दे जड़ा हूँ लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, बल्कि अनलॉक टू की जी तैयारी वो खिंची जा रही है। कितना कि फैसला जड़ा देश की जी आर्थिक मंदी नूं लैके लिया गया, क्योंकि पिछले काफ़ी समय तो जो करफ्यू लगाया गया सीगा, पूर्ण तौर पर तालाबंदी की गई सी, उदों देश नूं वड्डी जिहड़ी आर्थिक मारी दे नाल गुजरना पिया सीगा, आम लोगों नूं भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पिया सी। पर हुण जिहड़ा फैसला लिया गया ये किते ना किते देश की जिहड़ी आर्थिक स्थिति नूं लैके मद्देनज़र रख के उसनूं फिर लिया गया, पर फिर भी जिहड़ा फैसला लिया गया इस दे नाल किते ना किते आने वाले समय के जिहड़ी कोरोना महामारी फैली हुई आ उसके जिहड़े घातक जिहड़े भयानक नतीजे देखण नूं मिल सकते हैं, क्योंकि लोग है जिहड़े राहत मिलने तो बाद अनलॉक टू तो बाद होर ज़्यादा राहत जिहड़ी लोगों नूं दित्ती जाएगी, उस तो बाद लोग घर दे विच टिके नहीं बैठणगे ते जिहड़ी कोरोना महामारी आ होर ज़्यादा फैल जाएगी, जिस तो बाद ये खदसा हैगा ये डर बैठा हुआ कित ना कि मन दे विच कि आने वाले समय दे विच जिहड़ा ये लॉकडाउन खत्म कर दिता जाएगा और अनलॉक टू जिहड़ा जारी कर दिता जाएगा, लागू कर दिता जाएगा, जिस तो बाद जिहड़े हालात आ होर ज़्यादा विगड़न की आशंका हैगी आ। पर जिथे एक पासे लोगों इस फैसले नाल आर्थिक जिहड़ी स्थिति आ वह सही होवेगी लोगों की, उत्थे दूजे पासे किते ना किते जिहड़ा ये कोरोना महामारी है ये ज़्यादा होर ज़्यादा जिहड़ी वध जाएगी। फेस मास्क मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री कैपेसिटी 500,000 मास्क पर डे, 2 and 3 ply disposable face mask, 3 ply disposable face mask with nose wire, RN95 respirator face mask, adjustable nose piece for ultimate comfort. For bulk order and more information www.risley.org.